hello everyone welcome to inspired corner we are reading fifth chapter princess september from the supplementary book it so happened in previous sessions we read and discussed full chapter and its exercise part 1 in english as well as in hindi in this session we will discuss its exercise part 2 in this video we will discuss comprehension check 2 and exercise let's start question number 1 in the following sentence elaborate the parts given in bold under the circumstances it was a very unfortunate remark for the bird to make निम्न वाक्य में मोटे शब्दों की व्याख्या करें इन द फॉलोइंग सेंटेंस इलेबोरेट द पार्ट्स गिवन इन बोल्ड मतलब निम्न सेंटेंस में मोटे वाक्यों की व्याख्या करें अंडर द सर्कम सेंटेंसेस इट वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क ये है सेंटेंस जिसकी हमने व्याख्या करनी है फॉर द बर्ड टू मेक इन हालात में छोटे पक्षी का यह कथन दुर्भाग्यपूर्ण था कौन सा कथन था जिसके कारण उसका जो कथन दुर्भाग्यपूर्ण बना आंसर प्रिंसेस प्रिंसेसर वॉस ऑलरेडी डाउटफुल अबाउट द रिटर्न ऑफ द बर्ड द बर्ड द डिले ही टोल्ड हर दैट His father in law was giving a party in the evening. He was very likely to spend the night there. This remark proved fatal for the bird. The princess made up her mind to put the little bird in the case. Answer Uttar. प्रिंस सेप्टेंबर वॉज ऑलरेडी डाउटफुल अबाउट द रिटर्न ऑफ द बर्ड राजकुमारी सेप्टेंबर को पक्षी के लौटने के बारे में पहले ही संदेह था मतलब राजकुमारी सेप्टेंबर को विश्वास नहीं था कि पक्षी वापिस आएगा द बर्ड एक्सप्लेन द डिले पक्षी ने देरी का कारण बतलाया He told her that ंग अ पार्टी इन द इवनिंग उसने राजकुमारी को बताया कि उसका ससुर शाम को पार्टी दे रहा था ही वॉज वेरी लैकली टू स्पेंड द नाइट देअर उसके रात वहां गुजारने की अधिक संभावना थी दिस रिमार्क proved fatal for the bird यह कथन पक्षी के लिए घातक सिद्ध हुआ द प्रिंसेस मेड अप हर माइंड टू पुट द लिटिल बर्ड इन द केज छोटी राजकुमारी ने छोटे पक्षी को पिंजरे में बंद करने का निश्चय कर लिया फेटल क्या होता है घातक क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1 व्हाट टेक प्रिंसेस डू टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ हर पेट अपने पालतू पक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजकुमारी ने क्या किया आंसर उत्तर प्रिंसेस सेप्टेंबर पुट हर पेट इन द केस टू इंश्योर इट्स सेफ्टी अपने पालतू पक्षी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राजकुमारी ने पक्षी को पिंजरे में बंद कर दिया क्वेश्चन नंबर टू पार्ट टू हाउ डिड द बर्ड रिएक्ट टू इट इस पर पक्षी की क्या प्रतिक्रिया थी आंसर द बर्ड डिड नॉट लाइक इट ही क्राइड आउट लाउडली फॉर द डोर टू बी ओपन ही रिफ्यूज्ड टूट एंड like पक्षी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था वह द्वार खोलने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगा ही रेफ्यूज टू ईट एंड सिंग उसने खाना और गाना बंद कर दिया था क्वेश्चन नंबर थ्री वाई डिड द बर्ड रेफ्यूज टू बी टेकन आउट इन हर केस पक्षी ने पिंजरे में बाहर ले जाने से इनकार क्यों कर दिया आंसर द बर्ड रेफ्यूज इट बिकॉज थ्रू द बार्स ऑफ द केज द फील्ड द ट्रीज एंड द लेक did not appear the same answer uttar the bird refused it because through the bars of the cage the field the trees and the lake did not appear the same पक्षी ने इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि पिंजरे की सलाखों में से खेत वृक्ष तथा झील अपने असली रूप में दिखाई नहीं देते थे क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट वन वट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू गिव द बर्ड हिज फ्रीडम अगेन किस बात ने राजकुमारी सेप्टेंबर को पक्षी को पुनः आजादी देने के लिए राजी किया परस्यूड इट मतलब राजी किया आंसर प्रिंसेस सेप्टेंबर कुड नॉट सी द बर्ड ग्रेजुएटली डाई

टू बी हैप्पी एंड सिंग लवली सॉन्ग वह चाहती थी कि पक्षी खुश रहे और मधुर गीत गाए गेव द बर्ड गेव द लिटिल बर्ड हिज फ्रीडम बैक इसलिए उसने छोटे पक्षी को उसकी स्वतंत्रता लौटा दी क्वेश्चन नंबर फोर पार्ट टू हाउ डिड द बर्ड रियक्ट टू इट पक्षी की इसके प्रति क्या प्रतिक्रिया थी आंसर द बर्ड वॉज हैप्पी टू गेट हिज फ्रीडम बैक ही प्रमिस्ड दैट ही वुड ऑलवेज कम बैक एज ही लवर आंसर द बर्ड वॉज हैप्पी टू गेट हिज फ्रीडम बैक पक्षी पुनः आज़ादी पाकर प्रसन्न था

राजकुमारी सेप्टेम्बर दिन रात खिड़की खुली रखती थी पार्ट वन हाउ डिड इट हेल्प द बर्ड इससे पक्षी को क्या लाभ था आंसर द बर्ड कुड कम एंड गो वैन एवर ही पक्षी अपनी इच्छा अनुसार आ जा सकता था क्वेश्चन नंबर फाइव पार्ट टू हाउ डिड इट हेल्प द प्रिंसेस हिमसेल्फ स्वयं राजकुमारी को इससे क्या लाभ हुआ आंसर फ्रेश एयर मेड द प्रिंसेस एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल। ताजा हवा ने राजकुमारी को अति सुंदर बना दिया क्वेश्चन नंबर सिक्स द एट सिस्टर्स देयर विंडोज शट। हाउ डिड इट अफेक्ट देम? क्वेश्चन प्रश्न नंबर छः आठों बहनें अपनी खिड़कियां बंद रखती थी इसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा आंसर दे नेवर इन फ्रेश एयर दे बिकेम एक्सट्रीमली अगली क्योंकि उन्हें कभी ताजा हवा नहीं मिली थी इसलिए वे कुरूप हो गई मतलब वो बदसूरत हो गई एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर वन आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूअल फाइंड एविडेंस इन द टेक्स्ट टू सपोर्ट योर आइडिया क्वेश्चन नंबर वन प्रश्न नंबर एक आर द सिस्टर्स अनकाइंड एंड क्रूअल क्या बहने कठोर और दुष्ट थी फाइंड द एविडेंस इन द टू सपोर्ट दूसर आइडिया चुने जो इस कथन को सही ठहराते हैं आंसर यस द एट सिस्टर्स ऑफ द प्रिंसेस फॉर अनकाइंड एंड क्रूअल दे वर चैलेंज टू

वो उसे इर्शा भी करती थी उन्होंने उसे पक्षी को पिंजरे में बंद करने की सलाह दी बर्ड इस सलाह से हो सकता है पक्षी मर जाता क्वेश्चन नंबर टू विच यू विच टू यू कौन सा आइडिया कौन सा उपाय सबसे प्रमुख था महत्वपूर्ण था और क्यों इम्पॉर्टेंस ऑफ म्यूजिक संगीत की इंपॉर्टेंस महत्वता वैल्यू ऑफ फ्रीडम आजादी की कीमत ब्यूटी ऑफ नेचर कुदरत की सुंदरता आंसर वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया इन दिस स्टोरी द लिटिल बर्ड इन द स्टोरी वैल्यूड फ्रीडम अबाउट एवरीथिंग एल्स आंसर उत्तर वैल्यू ऑफ फ्रीडम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट आइडिया ऑफ़ आइडिया इन दिस कहानी में आजादी की कीमत सबसे महत्वपूर्ण उपाय है आइडिया है द बर्ड इन द स्टोरी वैल्यूड फ्रीडम अब एवरीथिंग एल्स छोटा सा पक्षी इस कहानी में स्वतंत्रता की कीमत को सबसे अधिक मानता है थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग मी थैंक यू वेरी मच